आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड खबरों की। कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल आर्य को हराने के लिए विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ एक राइस मिल में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सुनीता टमटा बाजवा को बाजपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा जाएगा। आम आदमी पार्टी और बसपा भी अपने प्रत्याशी चुनाव में उतार सकती है। वहीं जगतार सिंह बाजवा के समर्थकों ने 27 को पर्चा भरने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे एक दिन का समय दिया जाए, किस पार्टी से चुनाव लड़ना है, उसके बाद पर्चा दाखिल कर जवाब दिया जाएगा। और आप सबका आशीर्वाद रहा तो यशपाल आर्य को हराकर अपनी बहु को विजय बनाने के लिए संकल्प ले। पूर्व कांग्रेस के नगर अध्यक्ष राजेंद्र बेदी ने कहा कि प्रदेश के पदाधिकारियों द्वारा षड्यंत्र के तहत सुनीता टमटा का टिकट काटा गया है। उन्होंने कहा ऐसा नेता पार्टी ने कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है, इससे कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और कांग्रेस को खत्म करने की रणनीति चल रही है। आज बाजपुर के लोगों ने ये तय करना था कि किस पार्टी से या कैसे चुनाव लड़ना है, तो उन्होंने सामूहिक रूप से हमें कहा है कि जो भी हमारा निर्णय होगा वही ठीक रहेगा। अब मैं अभी इस पर विचार नहीं कर पाया, कल तक इस पर विचार करके स्थिति क्लियर कर। तो नॉमिनेशन तो 27 को होगा, बाकी तो डिसीजन यही है कि कोई पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए या निर्दलीय लड़ना चाहिए, उस पर हम थोड़ा सा विचार करके फिर ही निर्णय लेंगे। तो जगतार सिंह बाजवा ने ऐलान किया है कि 27 को नॉमिनेशन किया जाएगा और किस पार्टी से लड़ना है या निर्दलीय लड़ना है ये बताने के लिए वक्त मांगा है। तो अभी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और अभी भी लोग विचार कर रहे हैं, जो भी प्रत्याशी हैं वो अभी इस पर विचार कर रहे हैं कि आखिर किस दल से चुनाव लड़ना है या फिर निर्दलीय लड़ना है। और ऐसा भी बताया गया है कि 27 को पर्चा भरेंगे। जगतार सिंह बाजवा के समर्थकों ने इस बात का ऐलान किया है और संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे एक दिन का समय दिया जाए, किस पार्टी से चुनाव लड़ना है, इसके बाद पर्चा दाखिल कर दिया जाएगा। और आप सबका आशीर्वाद रहा तो यशपाल आर्य को हरा कर अपनी बहु को विजय बनाने के लिए संकल्प ले। तो संकल्प लेने की बात कही है, आशीर्वाद मांगा है और समय भी मांगा है इस बात का ऐलान करने के लिए कि कहां से चुनाव लड़ेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गुलबेज खान जुड़ चुके हैं। गुलबेज, क्या है पूरा मामला, आखिर किस लिए क्या विचार करना है जो वक्त चाहिए नामांकन के लिए? जगतार सिंह बाजवा की पत्नी सुनीता टमटा बाजवा, ये वही जगतार सिंह बाजवा है जो संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और लगातार किसानों के मुद्दों को उठाने का काम जगतार बाजवा ने किया है। सुनीता टमटा बाजवा जी, जो कि जगतार सिंह बाजवा की पत्नी है, वो पीसीसी सदस्य कांग्रेस में और लगातार पिछले 5-6 सालों से कांग्रेस में सेवा कर रही है। और पिछले चुनाव 2017 का जो चुनाव हुआ था उसमें सुनीता टमटा बाजवा कांग्रेस की प्रत्याशी थी जी। उसके बावजूद जो उनके अगेंस्ट चुनाव लड़े थे यशपाल आर्य, वो बीजेपी में थे, लेकिन इस बार वो दल बदलकर बीजेपी से कांग्रेस में आ गए हैं और एंड टाइम पर सुनीता टमटा बाजवा का जो टिकट था वो कांग्रेस द्वारा काट दिया गया है। उसके बाद कांग्रेस में बगावत के सुर फूटे और उसके तुरंत उपरांत उन्होंने चुनाव का ऐलान कर दिया है। चलान का ऐलान करने के बाद आज जो 10 बजे मीटिंग हुई थी उसमें ये फैसला लिया गया है कि कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ा जाएगा, इसका फैसला कल करेंगे, लेकिन नामांकन 27 तारीख को नामांकन दर्ज किया जाएगा और चुनाव लड़ा जाएगा। गुलबेज, जिस तरह से कांग्रेस के खात्मे की बात कही है, इसके पीछे क्या वजह है? मैम, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुनीता टमटा बाजवा लगातार पिछले 5-6 सालों से कांग्रेस की सेवा कर रही थी, कांग्रेस के साथ में यहां लगी थी। और दूसरी चीज, इस विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपुर विधानसभा सीट में कांग्रेस को सुनीता टमटा बाजवा को इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। इस बार आसान नहीं होगी कांग्रेस की राह। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गुलबेज खान जुड़े थे बाजपुर से।
खबर पाचपुर से है, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सरेआम आदर्श आचार संहिता के नियमों की धज्जियां उड़ाई। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 के चलते आदर्श आचार संहिता लागू है, जिसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी को सरकारी संपत्ति या फिर राजनीतिक पोस्टर और झंडा लगाने की अनुमति नहीं है। तो वहीं भाजपा के कार्यकर्ता शहर में विद्युत पोलों पर झंडे लगाकर आदर्श आचार संहिता नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। जब इस बात का पता पुलिस प्रशासन को चला तो पुलिस प्रशासन ने विद्युत पोलों से झंडे हटवाए, साथ ही ई रिक्शा सहित चुनाव सामग्री को सीज कर दिया गया। उपजिलाधिकारी राकेश चंद्र तिवारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। झंडे लगाए जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है और इसमें हमने एफएसटी को निर्देशित कर दिया है यदि किसी के द्वारा सरकारी संपत्तियों पर झंडे लगाए जा रहे हैं तो तत्काल कार्रवाई करें, और यदि गाड़ियों के माध्यम से कोई प्रचार सामग्री बिना अनुमति के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाई जा रही है तो उस पर भी कार्रवाई करें। और हमारी जो पुलिस की टीम है, एफएसटी की टीम है, इसमें लगी हुई है और जो भी होगा कार्रवाई करेंगे। रुड़की में भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा आज अपने सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन करने के लिए हरिद्वार के लिए रवाना हो गए, जहां पर वो रुड़की के भाजपा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया। भाजपा विधायक प्रदीप भारतीय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर एक पार्टी है, जिसका संगठन बूथ स्तर पर मजबूत हुआ है। पन्ना प्रमुख से लेकर पूरे संगठन को बेहद मजबूत किया गया है। जैसा भाजपा का संगठन है, ऐसा किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, सभी लोग एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। इसी के साथ प्रदीप बत्रा ने इस दौरान दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आ रही है। हम हरिद्वार करने जा रहे हैं और जिला कार्यालय में नामांकन करेंगे और सभी में बहुत सारे पार्टी के कार्यकर्ता सभी पदाधिकारी जिला अध्यक्ष हमारे वहाँ पहुँच चुके हैं। हमारे प्रभारी मनोज जर्जी भी उपस्थित हैं और हमारे साथ हमारे मंडल अध्यक्ष अभिषेक चंद्रा जी और प्रवीण चंदू जी भी नामांकन के लिए जा रहे हैं। और नामांकन करने के बाद जब चुनाव प्रचार और चुनाव की प्रक्रिया जो है गति पकड़ेगी और बहुत आगे हम लोग निकल चुके हैं। और विपक्ष तो मैं समझता हूँ कि टिकट भी नहीं कर पाया तो ये विपक्ष की बौखलाहट जो है वो साफ दिखाई देती है। और ये सीट भारतीय जनता पार्टी जोड़ी हुई बहुत मजबूती के साथ डालेंगे और ये वादा करते हैं सामने की रोटी की सीट जो है भारी बहुमत से जो है विजयी करेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने आज वर्चुअल माध्यम से एनआईसी कक्ष पौड़ी में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के तहत माइक्रो ऑब्जर्वो के साथ बैठक की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों के निर्देशित किया कि पोलिंग बूथ पर गंभीरता से कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिन बूथों में मतदान के दौरान समस्या उत्पन्न हुई या फिर ईवीएम मशीन खराब हुई है, पीठासीन अधिकारी की गलती सहित अन्य की रिपोर्ट भी तैयार करें। साथ ही उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया के समय विवाद हो जाता है तो उसका संक्षिप्त विवरण भी देना सुनिश्चित करें, जिससे विवाद के कारण का पता चल सके। उन्होंने बताया कि जनपद में 947 बूथों के 50% बूथों में वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर जोगदंडे ने आयोजित वर्चुअल बैठक में संबोधित माइक्रो ऑब्जर्वरों को निर्देशित किया कि मतदान स्थल में COVID-19 गाइडलाइन का विशेष ध्यान दें। पौड़ी विधानसभा सीट पर एक बार फिर से कांग्रेस ने अपने पूर्व प्रत्याशी नवल किशोर पर ही दोबारा से भरोसा जताया है और उन्हें चुनावी रण में उतारा है। कांग्रेस प्रत्याशी नवल का मानना है कि इस बार वो भाजपा को बैकफुट में लाकर चुनावी जीत निश्चित तौर पर हासिल करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी नवल का कहना है कि भाजपा सरकार की नाकामियों का फायदा भी उन्हें इस बार जीत हासिल करने में मददगार सिद्ध होगा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी की ओर से उन पर जताए गए भरोसे पर वो खरा उतरेंगे। पौड़ी विधानसभा की जो दुर्दशा इन 5 सालों में हुई है, मंडल मुख्यालय की जो दुर्दशा इन 5 सालों में हुई है, इससे पूर्व कभी भी इतनी दुर्दशा पौड़ी विधानसभा की, मंडल मुख्यालय पौड़ी की नहीं हुई है और इसकी जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार है। निश्चित रूप से जिनको भारतीय
जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी आशा और विश्वास के साथ में वोट दिया था, वो सब लोग जो युवा साथी हैं, जो व्यापारी वर्ग है, जो कर्मचारी वर्ग है, जो महिला वर्ग है, हर वर्ग इस सरकार से परेशान है। और कलियर थाना परिसर में क्षेत्राधिकारी रुड़की विवेक कुमार और कलियर थाना अध्यक्ष ने ग्राम प्रहल चौकीदारों के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र के चौकीदारों को गर्म जैकेट और टॉर्च वितरित किए गए और चुनाव को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। इस दौरान सीओ विवेक कुमार ने अपील करते हुए कहा कि आपके पास जो भी सूचनाएं पुलिस को दे, जिससे समय रहते अपराध को रोका जा सके। गांव के चौकीदार के पास अपने अपने गांव की जानकारी रहती है, इसलिए सभी लोग अपनी जिम्मेदारी का पालन करेंगे और तत्काल सूचना पुलिस को देंगे। जो हमारे ग्राम चौकीदार हैं, जो थाना कलियर ग्राम अंतर्गत जो हैं, उनमें जो ऐसो कलियर और थाना कलियर के माध्यम से जो जैकेट और नेम प्लेट और टॉर्च वगैरह का जो वितरण जो अभी आज के दिन किया गया, साथ ही साथ एक गोष्ठी की गई ताकि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सितारगंज से पूर्व विधायक नारायण पाल ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पार्टी से टिकट ना मिलने पर नारायण पाल नाराज दिखे, साथ ही समर्थकों में भी भारी रोष देखा गया। पाल ने कहा कि पार्टी ने मेरे साथ सौतेला व्यवहार किया है। नारायण पाल ने पार्टी से नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और मुझे बर्बाद कर दिया है, लेकिन मैं मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं हूँ। मैंने क्षेत्र के लिए संघर्ष किया है और मैं भविष्य में भी सितारगंज क्षेत्र की जनता के प्रति संघर्षशील रहूंगा। और बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सितारगंज से निर्दलीय चुनाव लड़ने का इशारा भी किया, जिससे साफ जाहिर होता है कि कहीं नारायण पाल चुनाव लड़ने के मूड में है। जगह जगह लिखा है कि जहां बुलाया वहीं आया। अब मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि क्या लोगों ने गलत लिखा था? गलत लिखा था ये, मैं कहां नहीं था? आज इन्होंने मेरा पूरा भविष्य खराब कर दिया। इन्होंने मेरा किस पे इल्जाम दूं मैं? श्री विजय भोगड़ा जी पे इल्जाम दूं या कांग्रेस के नेताओं पे इल्जाम दूं? मैं किस पे इल्जाम दूं? आप पत्रकार लोग हैं, आप बहुत बड़े समीक्षक हैं, आप समीक्षा कर सकते हैं। आज मेरे पास विकल्प क्या बचता है? आज या तो यह है कि मैं राजनीतिक रूप से राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूं या संघर्ष करूं। नई टिहरी में आज विधानसभा सीट से उत्तराखंड जन एकता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और प्रत्याशी दिनेश धने ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर उत्तराखंड जन एकता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है, जनता को विकास करने वाला प्रतिनिधि चाहिए। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए धने ने रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर अपूर्व सिंह के सम्मुख नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर गोविंद बिष्ट, प्रताप गुसाई, बलवीर नेगी, संजय मेठानी, विक्रम सिंह कठैत, पूर्व प्रमुख आनंदी नेगी, रागनी भट्ट, शकुंतला नेगी, सैकड़ों कार्यकर्ता विनोद भी मौजूद रहे। एक ही है उत्तराखंडियत और उत्तराखंड के लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये मुद्दे हैं और जो आम आदमी के मुद्दे हैं उन पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। कलियर विधानसभा के भाजपा मंडल महामंत्री प्रमोद कुमार शर्मा ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में जो श्यामवीर सैनी और जय भगवान सैनी प्रत्याशी भाजपा से चुनाव लड़े, वो लगातार मेरे साथ उपेक्षा कर रहे थे, जिसकी वजह से मुझे काफी परेशानी हुई है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा में कार्यकर्ताओं के साथ साथ किसानों, मजदूरों और गरीब तबके की हमेशा से उपेक्षा की जाती है, इसलिए आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में कांग्रेस का परचम लहराएगा। इसका कारण तो कई है, सबसे पहला कारण तो यह रहा कि मैं सबसे पुराना कार्यकर्ता हूं इस विधानसभा का और मेरी उपेक्षा हुई है, मतलब सम्मान नहीं मिला मुझे पूरा जितना मिलना चाहिए था, जितना पुराना था मैं। तो जैसे भाजपा के यहाँ पे कार्यकर प्रत्याशी भी आए हैं, कुल मैं लेकर गया हूँ तो उसे मतलब कोई सुनवाई नहीं हुई। किनके पास काम लेके गया? किसी के पास भी गया, जय भगवान के पास गया या किसी के पास गया, मेरी किसी बात की कोई वैल्यू नहीं। कांग्रेस में उज्ज्वल भविष्य दिखाई दिया, कांग्रेस का भी उज्ज्वल भविष्य है, सरकार आ रही कांग्रेस की अब की बार यहाँ, और मुझे उम्मीद है कि
लालकुआ विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के दूसरे चरण में आज निर्दलीय प्रत्याशी कुंदन सिंह मेहता ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान तहसील परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इधर प्रशासन ने प्रत्याशियों के साथ उनके दो प्रवक्ताओं को ही अंदर जाने की अनुमति दी थी। निर्दलीय प्रत्याशी कुंदन मेहता ने नामांकन दाखिल करने के बाद कहा कि कांग्रेस भाजपा आपसी लड़ाई करते हुए अभी तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है, जिसका लाभ उन्हें मिल रहा है। इस समय तक कोई भी मेरे टक्कर में आ रहा हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप पार्टी हो या अन्य कोई भी दल हो, वह मैं नहीं समझता कि मेरे साथ कोई भी टक्कर लेगा, क्योंकि मैं एक जन सेवा के भाव से निकला हूं और जनता ने ही मुझे खड़ा किया है, जिसके कारण उनका आज तक कोई भी जनप्रति आगे नहीं आ पा रहा, किसी का नाम वो घोषित नहीं कर पा रहे हैं। कारण यही है कि उनको यही हो रहा कि एक मेहता जी के टक्कर में हम किसको खड़ा करें या कौन हमारा टक्कर ले पाएगा, लेकिन मैं नहीं समझता कोई मेरे टक्कर में। लालकुआ में आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराए जाने के लिए पुलिस प्रशासन ने अब अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में कोतवाली की ओर से एक अपराधी को जिला बदर किया गया है, वहीं एक अन्य अपराधी पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही 17 अपराधियों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। वहीं अभी तक कोतवाली में 442 लाइसेंसी शस्त्र जमा हो चुके हैं और 33 शस्त्र जमा होने से बचे हुए हैं। शस्त्र धारकों को शस्त्र रखने की अनुमति लेनी होगी। इसी के साथ पुलिस और प्रशासन ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है। जो असले बचे हैं या तो वो परमिशन लेंगे और या फिर वो उनके असले जमा किए जाएंगे। व्यक्ति अगर परमिशन नहीं लेता है शस्त्र रखने की या उसको जमा नहीं करता है तो उसके शस्त्र को निरस्त करने के लिए संस्तुति जो इलेक्शन से संबंधित कार्रवाई है उसमें भी लालकुआ पुलिस ने अच्छा काम किया है। इसमें इनके द्वारा 442 शस्त्र जमा कर दिए गए हैं, अभी तक मात्र 33 शस्त्र जमा होने हेतु शेष हैं और एक व्यक्ति को जिला बदर की कार्रवाई की है। एक अपराधी के विरुद्ध एक गैंगस्टर का मुकदमा कायम किया गया है। 17 लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी का आनंद लेने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक लाल टिब्बा धनौल्टी की ओर रुक कर रहे हैं। जहां एक ओर बारिश और बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं दूसरी ओर लगातार जाम लगने के कारण परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अधिकांश लोग अपने घरों में कैद हो रहे हैं। वहीं जगह जगह अलाव जलाकर लोग ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से पहाड़ों की रानी मसूरी में बर्फबारी और बारिश होने से कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है, जिससे जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। लगातार हो रही बारिश के कारण लोग अपने घरों में ही कैद होकर रह गए हैं। वहीं हजारों की संख्या में पर्यटक पर्यटन नगरी की ओर रुक कर रहे हैं, जिससे लगातार जाम लगने के कारण खासी परेशानियां पैदा हो रही हैं। बाजपुर में ग्राम कनोरा निवासी साजिद हुसैन पुत्र साजिद हुसैन ने डीजीपी अशोक कुमार और सीओ वंदना वर्मा को शिकायती पत्र देकर गंभीर आरोप लगाए। शिकायत पत्र में पीड़ित ने बताया कि उसकी गाड़ी में खनन सामग्री भरी हुई थी और खनन सामग्री को देखकर चौकी इंचार्ज ने गाड़ी को कब्जे में लेते हुए उसे सीज कर दिया। इस मामले की जानकारी मिलते ही पीड़ित चौकी पर जुर्माना भरते हुए वाहन को लेने के लिए गया, लेकिन गाड़ी वहां पर मौजूद नहीं मिली। बाद में रुद्रपुर रोड पर एक राइस मिल में ट्रक को खड़ा किया गया। ट्रक को चेक किया गया तो 8 टायर और एक सेल्फ खनन सामग्री वाहन से गायब थी। ट्रक के आगे पीछे पूरी तरह खींचते समय क्षतिग्रस्त कर दिया गया। वाहन की सुरक्षा करना पुलिस की जिम्मेदारी है, ये बात कहते हुए पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाते हुए वर्तमान चौकी इंचार्ज अशोक कांडपाल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नुकसान की भरपाई की मांग की है। गाड़ी केसर से भर के घर पर आई और घर पर आने के बाद 8:30 बजे मेरी गाड़ी अनिल जोशी चौकी धुराया इंचार्ज घर से पकड़ कर ले आए और उन्होंने चौकी के आगे खड़ी करके गाड़ी सीज करके वन विभाग को सौंप दी। अब मैं गाड़ी को छुटाने के लिए गया तो कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। अब सुनवाई हुई, 2 लाख का जुर्माना वन विभाग का पड़ लिया है और 21,000 का काशीपुर कोर्ट का पड़ा है। और उसके बाद कोर्ट से छुटा कर मैं पहुँचाऊँ चौकी तो चौकी में मेरी गाड़ी नहीं है। गाड़ी
उनके जिंदल साहब उसके खड़ी है सेलर में, और सेलर से भी गेहूं के खेत में, उसमें दसों के दस टायर बदल दिए और सेल्फ नहीं है और उसमें रेता नहीं है, खाली गाड़ी खड़ी है, गाड़ी टूट गई है। 2019 में अवैध खनन में उनका 12 टायरा ट्रक सीज हुआ था चौकी दोराहा से। इसमें हम लोगों ने तहरीर प्राप्त कर ली है और इसमें सुसंगत धाराओं में हमने चोरी के मुकदमा दर्ज किया है और जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई होगी उसको हम लोग भलीभांति करेंगे। ऋषिकेश में नगर निगम क्षेत्र के पास बापूग्राम इलाके में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बारिश की वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। बारिश के चलते बिजली के खंभे में अचानक तेज धमाका हुआ। धमाके की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया और कुछ ही देर में बिजली भी गुल हो गई। घटना को लेकर इलाके के लोगों का कहना है कि बिजली का खंभा पिछले एक साल से जमींदोज होने को तैयार है। इस संबंध में विद्युत उपखंड अधिकारी और नगर निगम की महापौर को लिखित रूप से साल भर पहले शिकायत भी दी गई थी, लेकिन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने कोई एक्शन नहीं लिया। तेज बारिश होने के कारण ये बिजली के पोल से हमारा जो मेन केबल है वो लाइन, मेन केबल लाइन हमारे घर के ऊपर गिर गई। रात 2 बजे बड़े धमाके के साथ सब घर में सो रखे थे, रात 2 बजे से हम बहुत विचलित हो रखे हैं, जिससे कि हमने पूरा प्रशासन को, बिजली विभाग को अवगत करा दिया था, मगर अभी 10 बजने वाले हैं, अभी तक हमारे उसमें कोई नहीं आया। वो तो अच्छा हुआ कि रात की बात रही, नहीं तो सुबह होता तो जानलेवा वो होता, जिसमें कि हमारी गाड़ी के ऊपर एक तार होने के कारण रात करंट चल रहा था। और इस उसमें हम एक साल पहले से इस खंभे के उसमें बिजली विभाग वालों को और पार्षद को सबको हमने अवगत करा रखा है, मगर हमारे उस पर किसी। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। खुद को